गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एंडोक्राइनोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है, एग्जाम में पूछा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे बॉडी में, ब्रेन में जो क्रेनियम जो है, बोन्स है, उसमें सेला टर्सिका करके एक डिप्रेशन है स्फीनॉइड बोन में। स्फीनॉइड बोन में सेला टर्सिका एक डिप्रेशन है जहां पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड छोटा सा पड़ा रहता है, जो कि आधे से एक ग्राम तक इसका वेट होता है और डायमीटर इसका 1 सेंटीमीटर होता है। हाफ टू 1 ग्राम वेट है और 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। और सेला टर्सिका क्या है? इट इज अ डिप्रेशन इन द स्फीनॉइड बोन जो कि क्रेनियम में है, आई के पीछे एक क्रेनियम बोन है सेला टर्सिका, एक डिप्रेशन है स्फीनॉइड बोन। देन इसकी अगर हम पार्ट्स की बात करें तो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, जैसे कि हम बोलते हैं पार्स डिस्टलिस। पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं इस तरह से, तो पार्स ट्यूबरलिस, देन ये पार्स ट्यूबरलिस का पार्ट है, दिस इज पार्स डिस्टलिस, और एक पार्ट होता है, हालांकि ह्यूमंस में वो जो है फंक्शनल, बहुत ज्यादा फंक्शनल नहीं है, बहुत स्मॉल सा पार्ट रह गया है। अदरवाइज अदर जितने भी एनिमल्स हैं उसमें ये वेल डेवलप्ड होता है और फंक्शनल होता है, जिसे हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। पिट्यूटरी ग्लैंड ऊपर जो है हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड रहता है बाय हाइपोथैलेमिक स्टॉप, हाइपोफाइसियल। इसको हम हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है, हाइपोफाइसियल स्टॉक से कनेक्टेड रहता है हाइपोथैलेमस से। एंटीरियर पिट्यूटरी, पार्स ट्यूबरलिस, पार्स डिस्टलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है उसके पार्ट्स की बात करें तो पार्स नर्वोसा मेन पार्ट इसका है, पार्स नर्वोसा, ये इसके आगे की इधर की तरफ मैं बना रही हूं, दिस इज पार्स नर्वोसा, दिस वन पार्स नर्वोसा। इसके बाद यहीं पे इनफंडिकुलर स्टॉप रहता है, स्टॉक, और ऊपर की तरफ यहां मीडियन एमिनेंस रहता है। मैं और क्लियर कर देती हूं इनको, मीडियन एमिनेंस। ये एंटीरियर पिट्यूटरी और इधर से पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ये वाला पार्ट इनफंडिबुलर स्टॉक, दिस इज पार्स नर्वोसा, दिस पार्स ट्यूबरलिस, पार्स डिस्टलिस, इधर जो है
पास इंटरमीडिया, ठीक है, पीछे की तरफ है, एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में जो पार्ट है दैट इज पार्स इंटरमीडिया। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम इसकी बात करते हैं इसके फिजियोलॉजी की, कि कैसे ये काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है, और एंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स हैं वो कैसे बनते हैं, जब हाइपोथैलेमस से वस्कुलर जो वेसल्स आ रही हैं ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स आ रही हैं हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ, वो ब्लड वेसल्स हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को लेके आती हैं, और तब पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होता है। फॉर एग्जांपल कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जब आएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होगा। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन अगर आ जाता है हाइपोथैलेमस से तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो इनहिबिट होना शुरू हो जाता है, इसके कारण ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा। इसी तरह से बहुत सारे रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स आते हैं हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ, ये हार्मोन्स उन हार्मोन्स को फिर आगे स्टिमुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है अगर हाइपोथैलेमस से आता है तो वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है आगे जाके फिर किसको स्टिमुलेट करता है, थायराइड को T3 T4 बनाने के लिए। क्लियर। अब ये तो हुई कि हाइपोथैलेमस से यहाँ वस्कुलैरिटी के थ्रू ये जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्मोन्स आते हैं, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है अपना कोई हार्मोन सीक्रीट नहीं करती, इसके जो हार्मोन्स हैं वो हाइपोथैलेमस में सीक्रीट होते हैं और न्यूरल कनेक्शन के थ्रू नर्व्स के थ्रू यहाँ आके स्टोर हो जाते हैं। दे जस्ट स्टोर्ड हेयर, यहाँ सिर्फ वो स्टोर होते हैं और उनके जो है वो हार्मोन्स बनते हाइपोथैलेमस में है। कौन से हार्मोन्स है, ADH एंड ऑक्सीटोसिन, दो ही हार्मोन्स होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, ADH एंड अभी मैं क्लियर करती हूँ, और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों नर्व सप्लाई के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके स्टोर हो जाते हैं, और स्टोर होने के बाद जब रिक्वायर्ड होता है तब रिलीज होते हैं। इज इट क्लियर। अब हार्मोन्स की बात करते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स कौन से हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स कौन से हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन GH सीक्रेट होता है, नंबर टू TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नंबर थ्री ACTH एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन, नंबर फोर गोनेडोट्रोपिन्स जो कि दो हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो आ जाता है आपका प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो है उसका क्या काम होता है, मेन जो हार्मोन हमें यहाँ पढ़ना है एंटीरियर पिट्यूटरी में ग्रोथ हार्मोन पढ़ना है, बाकी जो है जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, इतना काम है, बाकी थायराइड का जो है थायराइड के जो हार्मोन्स हैं वो अपना काम करेंगे आपके। ACTH जो है वो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है, यानी कि ये जो है एड्रीनल्स को स्टिमुलेट करता है और एड्रीनल्स से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो अपने आप फिर आगे काम करेंगे, उसे स्टिमुलेट कर रहा है ये।
गोनाडोट्रॉप मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स को जो है वो मैच्योर करता है और स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करके मैच्योर करके उसके अंदर से ईस्ट्रोजन की डेवलपमेंट कराता है इन फीमेल्स, और मेल्स में जो है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के साथ मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। एलएच की बात करें तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज वेरी एसेंशियल फॉर ओव्यूलेशन इन फीमेल्स, और मेल्स में ये अगेन जो है टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है। प्रोलैक्टिन जो है वो मेमोरी ग्लैंड्स को जो डेवलप कराता है, डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क, उसका काम यही है प्रोलैक्टिन का। मेन हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं कि ग्रोथ हार्मोन के क्या क्या काम होते हैं। इसका मेन काम अगर हम देखें तो ये ग्रोथ करवाता है, सेल्स की जो है डिवीजन कराने में हेल्पफुल है। सेल्स की डिवीजन होती है, माइटोटिक डिवीजन होती है, तो सेल्स जो है वो नंबर उनका बढ़ता चला जाता है, तो इस वजह से कोई भी टिश्यू है कोई ग्रोथ होती है, ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है, तो माइटोसिस से उसके अंदर टिश्यूज, उसके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सब बढ़ता चला जाता है। और बोन्स जो है, बोन्स की लेंथ भी बढ़ाता है और थिकनेस भी बढ़ाता है, लेंथ एंड थिकनेस दोनों को इंक्रीज करता है। ग्रोथ हार्मोन का मेटाबॉलिक इफेक्ट बहुत ज्यादा है। मेटाबॉलिज्म में इसका क्या रहता है, प्रोटीन्स के लिए ये क्या करता है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, इसीलिए जो है ग्रोथ होगी ना, प्रोटीन सिंथेसिस को एनहांस करता है। देन ग्लूकोज की मैं बात करूं तो ग्लूकोज के लिए क्या है इसका, ये जो है डेड मतलब हाइपरग्लाइसीमिया कर सकता है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो है अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स जो है वो ग्लूकोज को जो लेते हैं अपना काम करने के लिए उसे ये डिक्रीज करता है। ऐसा करने से क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि इससे जो है मतलब अगर ये रेगुलेटरी फॉर्म में नहीं है या ये ज्यादा बन रहा है तो डायबिटीज होने की संभावना है, हार्मोन बढ़ रहा है तो डायबिटीज होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज के अपटेक को ये सेल्स में कम करता है। फैट मोबिलाइजेशन कराता है, एडिपोज टिश्यू से फैट को मोबिलाइज करा के ब्लड सर्कुलेशन में लेके आता है, तो इस वजह से जो है अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है तो फैटी लीवर या ओबेसिटी जैसे सिम्टम्स मिल सकते हैं। अब एंटीरियर पिट्यूटरी के डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें, सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी में अगर ग्रोथ हार्मोन हाइपो की बात करें, अगर हाइपोपिट्यूटरिज्म हो रहा है, कम हो रहा है, तो बच्चों में कम हो रहा है तो हम उसे कहेंगे ड्वार्फिज्म, दैट इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म, और बड़ों में अगर कम हो रहा है तो दैट इज एक्रोमाइक्रिया। अगर बोन फ्यूजन से एपिफाइसिस से पहले अगर ग्रोथ हार्मोन जो है हमारी बॉडी में कम सिक्रीट हो रहा है, बोन्स की एपिफाइसिस होती है जब बोन्स जो है प्रॉपर फॉर्म में आने शुरू होती है एडल्ट से पहले, एडल्ट एज से पहले जो बच्चा होता है उसकी एपिफाइजियल फ्यूजन से पहले अगर ग्रोथ हार्मोन बॉडी में कम होता है तो उस बच्चे की जो है हाइट नहीं बढ़ती, वो लगभग जो है चाहे बड़ा भी हो जाए तो 3 फीट उसकी मैक्सिमम हाइट होती है, दैट इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म। यहाँ खास बात यह है कि ड्वार्फिज्म में ग्रोथ हार्मोन ने टिश्यूज और उनकी जो है ग्रोथ को रोका है, यहाँ मेंटली रिटार्डेड नहीं होगा बच्चा, उसकी वो अपनी एज के जो आप बोने कहते हो वो अपनी, लेकिन मेंटली एज जो है उनकी अच्छी है, ड्वार्फिज्म वो कंडीशन है, ठीक है, यहाँ मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देन एक्रोमाइक्रिया, एक्रोमाइक्रिया इज अ रेयर कंडीशन कि फ्यूजन के बाद, बोन के फ्यूजन के बाद एडल्ट एज में जो है ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए, हाइपर। अब हाइपर की अगर मैं बात करूं, हाइपर के अंदर क्या होता है,
हाइपर भी दो कंडीशंस में मिलता है, अगर बचपन में चिल्ड्रन में शुरू हो जाए, ये जो है चाइल्ड एज पे है, चिल्ड्रन में मिलेगा, और अगर बच्चों में हाइपर हो गया, ग्रोथ हार्मोन अधिक बनना शुरू हो गया, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं जिजेंटिज्म। जिजेंटिज्म इसमें जो है बोन्स की लेंथ जो है काफी बढ़ जाती है और हाइट लगभग 7 से 8 फीट तक का बच्चा होगा। ठीक है, यहां भी अगर मैं बात करूं तो मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ जो है बच्चे की हाइट पे इफेक्ट पड़ता है। दूसरा होता है एक्रोमिगैली। एक्रोमिगैली क्या है, इसमें अब हाइट तो उतनी ही है, ग्रोथ हार्मोन आफ्टर एडल्ट एज जो है बड़ी है, तो एडल्ट्स में ये हो रहा है, तो हाइट तो वहां जितनी थी उतनी ही रही, उसके बाद जो है ग्रोथ हार्मोन अब बढ़ना शुरू हुआ, तो हाथ पैर जो है वो लंबे दिखाई देते हैं, हाथ और पैर लंबे दिखाई देंगे, और उसके फेस के ऊपर ऐसे चेंजेस आएंगे कि उसका फोरहेड जो है वो प्रोट्रूडेड दिखाई देगा, आगे को निकला हुआ दिखाई देगा, नेजल ब्रिज जो है वो ज्यादा चौड़ा दिखाई देगा, लिप्स प्रोट्रूड आउट हुए होंगे, चिन जो है वो प्रोट्रूड आउट हुई होगी, तो ये सारा जो है गुरिल्ला फेस, जैसे हम कहते हैं गुरिल्ला की तरह का फेस उसका दिखाई देता है, हाथ पैर लंबे लंबे, लिम्स जो है वो लंबे लंबे, बोन जो स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी उसमें भी एनलार्जमेंट होनी शुरू हो जाती है, तो इसलिए काइफोसिस, उसे हम कहते हैं काइफोसिस यानी झुका हुआ, ऐसे क्योंकि उसकी जो है बोन की लेंथ, स्पाइन की लेंथ लंबी हो गई है, तो वो इस तरह से कुबड़ा जिसे कहते हैं, तो उस तरह का दिखाई देगा, काइफोसिस हो जाता है। यहां मैंने जो है हाइपर में आपको मेटाबॉलिक इफेक्ट्स की बात करूं तो जिजेंटिज्म जैसे चिल्ड्रन में जब हो रहा है या एक्रोमिगैली, दोनों कंडीशंस में जो है पहले भी मैंने बताया कि ग्रोथ हार्मोन के बढ़ने से डायबिटीज जैसी कंडीशन हो जाती है, उसमें हाइपर ग्लाइसीमिया, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाएगा, ग्लाइकोज यूरिया, यूरिन में ग्लूकोज का आउटपुट ज्यादा दिखाई देगा, ये कंडीशंस मिलेंगी, और साथ ही इसमें जो है क्योंकि ट्यूमर जैसी कंडीशन भी हो सकती है, तो ट्यूमर अगर हो जाता है तो हेडेक मिलेगी, और क्योंकि यहीं पे आगे जहां पे ट्यूटरी पड़ी है उसके साइड में ही ऑप्टिक क्याज्मा है, उसके ऊपर कंप्रेशन रहेगा, तो विजुअल डिस्टर्बेंस भी होती है। इज इट क्लियर अबाउट जिजेंटिज्म एंड एक्रोमिगैली। हाइपो में ही एक कंडीशन होती है पैन हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसे कि हम साइमंड्स डिजीज कहते हैं। उसमें क्या होता है, साइमंड्स डिजीज कहते हैं, इस कंडीशन में क्या होगा कि हाइपो है, बचपन में ग्रोथ हार्मोन कम होना शुरू हुआ था और वो आगे भी एडल्ट एज में भी कम होता ही रह रहा है, ऐसा नहीं कि वो रुक गया, तो उसमें ड्वार्फिज्म के भी सिम्टम्स मिलेंगे और एक्रोमाइक्रिया के भी सिम्टम्स मिलेंगे। ड्वार्फिज्म और एक्रोमाइक्रिया जब यानी ग्रोथ हार्मोन पूरी लाइफ लॉन्ग जो है वो कम ही, डेफिशिएंसी ही है उसकी, तो उसको हम बोलते हैं पैन हाइपोथायरॉयडिज्म या साइमंड्स डिजीज। क्लियर। चलिए अब हम करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में मैंने आपको बताया कि उसके अपने हार्मोन्स नहीं है, हाइपोथैलेमस से न्यूरल कनेक्शन से उसमें हार्मोन्स आ रहे हैं, जब वो न्यूरॉन स्टिमुलेट होते हैं और जब वो नर्व्स जो है एक्शन पोटेंशियल से स्टिमुलेट होती हैं तब पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ रहे हैं, और किसी वजह से जब भी रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी में तो तब उसके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो उसके जो दो हार्मोन्स हैं जो स्टोर्ड हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वो है ADH, जिसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन, इसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं।
वेसल्स को प्रेस करने वाला, वेसोप्रेसिन। सेकेंड है ऑक्सीटोसिन। पहले हम बात करते हैं एडीएच की, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि ये क्या कर रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, डायूरेसिस का एंटी है, यानी कि यूरिन में वाटर का आउटपुट जो है उसको कम करता है, डायूरेसिस नहीं होने देता, यूरिन में वाटर का आउटपुट कम करता है। कैसे कम करता है, ये किडनी के अंदर जो आपके कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, ट्यूब्यूल्स हैं, रीअब्सॉर्प्शन कराता है वाटर की ऑफ। तो यूरिन फॉर्मेशन में आपने पढ़ी होंगी स्टेजेस होती हैं, तो रीअब्सॉर्प्शन की जो स्टेज है उसमें वाटर की रीअब्सॉर्प्शन कराने में ये हेल्पफुल है, तो हमारी बॉडी में वाटर को रिटेन करके रखता है। सेकेंड है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन यानी कि वेसल्स को, नाम से ही पता चल रहा है, प्रेस कर रहा है। इसका मेन काम है ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना। ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने की वजह से ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। बीपी अगर लो हो रहा है तो उसको कंट्रोल मेंटेन करने का काम एडीएच का ही होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन जिसे हम कहते हैं, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके बीपी को ये मेंटेन करता है। सेकेंड है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन मैंने बताया कि आपको मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, तो ये दो हार्मोन्स हैं। इनके अगर डिसऑर्डर्स की बात करें तो हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच क्या करेगा, हम अगर इसकी हाइपोसिक्रीशन होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स हैं, तो हाइपो अगर हो जाता है, कम सिक्रीट कर रहा है, कम रिलीज कर रहा है, शुड से सिक्रीट तो ये करता ही नहीं है, तो अगर ये एडीएच को कम रिलीज करता है तो क्या कंडीशन हो जाएगी हाइपो में, डायबिटीज इंसिपिडस। उसमें क्या होता है, यूरिन के अंदर जो है, जब इसकी हाइपोसिक्रीशन हो गई, ये कम हो रहा है तो ये रिटेन नहीं कर रहा, वाटर की जो वाटर आउटपुट है यूरिन में वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीजेस। ठीक है, तो पानी जो है वो ज्यादा जाने लगेगा, इसलिए इस कंडीशन को डायबिटीज इंसिपिडस में तीन चीजें मिलती हैं।